वीडियो चालू करने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और जो पास में बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे बिना देरी करे। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप बडीज, आप लोग सब कैसे हैं? होप करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने चैनल पे गाइस आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस दिस इज पार्ट नंबर सेकंड ऑफ आवर न्यू यूट्यूबर सीरीज, जो सीरीज हमने हमारे नए यूट्यूबर भाई लोगों के लिए स्टार्ट की। ये है गाइस उसका पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले गाइस हम पार्ट वन को कर चुके हैं अपलोड, जिसमें हमने गाइस सीखा कि हमें चैनल का जब हम नाम रखते हैं तो किन चीजों का हमें रखना है खास ख्याल। गाइस कोई भी वजह से अगर आपने मिस करी है तो वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, गो एंड चेक इट आउट। गाइस ये है पार्ट नंबर सेकंड। यहाँ पे हम गाइस दो और इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाले हैं। गाइस जो पहली चीज है गाइस वो बेसिक इक्विपमेंट क्या होते हैं एज अ न्यू यूट्यूबर जब आप होते हैं आपकी वीडियो को शूट करने के लिए, और उनके अल्टरनेट वो भी गाइस होममेड। गाइस दूसरी चीज वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, कि गाइस वीडियो को शूट करते समय किन बातों को रखना है हमें खास ख्याल। गाइस वीडियो होने वाली बहुत ही मजेदार। मेरा नाम है शब्बीर, आप देख रहे हैं एजुकेशन टेक। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस पहली चीज की तरफ हम बढ़ते हैं, वो चीज है गाइस बेसिक इक्विपमेंट क्या होते हैं। गाइस इक्विपमेंट तो बहुत सारे होते हैं, मैं बेसिक इस वजह से बोला है कि मैं सोचता हूं अगर आपके पास ये चीज है तो आप अभी से चालू कर दीजिए आपकी वीडियो को शूट करना। गाइस पहली चीज आती है गाइस ट्राइपॉड। गाइस जैसे कि आपको लोग को पता होगा, ट्राइपॉड जनरली करता क्या गाइस, आपके मोबाइल को फिक्स कर देता है एक फिक्स पोजीशन पे, जिससे कि वीडियो अच्छे से शूट होती है, उसमें कोई भी शेकिनेस वगैरह नहीं आती। तो ये पहला जो बेसिक है वो होगा गाइस ट्राइपॉड। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास ट्राइपॉड है गाइस तो अभी से आप वीडियो शूट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि गाइस अभी आप खास ख्याल रखिए आपके वीडियो के कंटेंट पे ना कि इक्विपमेंट्स। ठीक है, ट्राइपॉड है बेहतरीन, बस वीडियो को आपकी वो अच्छी बना ही देगा। आप कोई से भी ले लीजिए, होम में शूट करते हैं तो कोई से भी वॉल में आप वीडियो को कर दीजिए स्टार्ट शूट करना। गाइस एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस अभी ये मत सोचिए कि अगर मेरे पास अभी इक्विपमेंट नहीं है तो मैं वीडियो को शूट नहीं कर रहा। अभी जब मेरे पास पूरी इक्विपमेंट हो जाएंगे तो मैं वीडियो को शूट करना चाहूंगा। गाइस ये चीज को दिमाग से बाहर फेंकिए अभी। गाइस देखिए सब चीज धीरे धीरे होती है, आपको फेलियर से ही आपको ओवरकम करना पड़ता है, जब जाके आपको सक्सेस मिलता है ना गाइस। तो धीरे धीरे सब चीज होगी गाइस। आज आप ट्राइपॉड लिया है, कल आप माइक लिया आएगा, तो इसी तरह गाइस मैंने कभी वॉलपेपर मंगवा लिया। गाइस ये ट्राइपॉड मैंने अभी 3 दिन पहले ही मंगवाया। तो गाइस अब मैं बताने वाला हूँ कि ये ट्राइपॉड 3 दिन पहले मंगवाया है, तो वीडियो अभी ट्राइपॉड से शूट हो रही है, तो 3 दिन पहले किससे होती थी गाइस? जो 94 वीडियोस है ना गाइस, जो मैं आपको बताऊं अल्टरनेट क्या है मेरे ट्राइपॉड का होममेड, वो है गाइस ये। गाइस ये था मेरा ट्राइपॉड, इससे गाइस मैंने 94 वीडियो शूट कर दी। आपको लगेगा नहीं गाइस जरा भी फर्क, आप वो वीडियो को जाके देखिए, इसको जाके देखिए, आपको जरा सा भी फर्क नहीं लगेगा। गाइस सिंपली क्या किया था आपको, अगर बनाना है गाइस कुछ नहीं करना गाइस, ये तो आपके पास होगा, ये मेरे पास इंटेक्स का मोबाइल था, उसका जो होका होता है वो होगा ही आपके पास, कोई से भी मोबाइल का। करना कुछ नहीं है, आपके मोबाइल की विथ को मेजर करिए, उतने हिस्सा ही काटिए और बस आपके मोबाइल को फिक्स कर दीजिए, और पोजीशन आप मेंटेन कर लीजिएगा, आपको जहाँ पे शूट करना रहती है वीडियो को कितनी हाइट पे रखना है बस गाइस, और वीडियो को शूट करना चालू कर दीजिए। तो गाइस कितना सिंपल है गाइस इसको बनाना, हमारे होम मेड हमारा ट्राइपॉड है। दूसरी चीज जो हम बात करते हैं बेसिक इक्विपमेंट, तो गाइस वो है माइक। गाइस मैंने इसको इस वजह से रखा है गाइस ये इजीली अवेलेबल है आपके होम में। गाइस माइक जनरली क्या करता है, जो हमारी ऑडियो क्वालिटी रहती है उसको बेटर करता है। ठीक है गाइस, तो ये जो मेरा अल्टरनेट है। हाँ गाइस एक और चीज मैं आपको ये बता दूं कि आप ट्राइपॉड अगर आप बाय करने जाएंगे तो आपको इजीली गाइस मिल जाएगा 200 to 250 की रेंज में। गाइस मेरे को जो मिला है 3 दिन पहले मैंने बाय किया है, मोबाइल एसेसरीज की दुकान से मैंने बाय किया था जनरली, ये मुझे पड़ा गाइस 180 का। मैं आपको सिर्फ एक सिंपली एडवाइस ये दूंगा कि आप बाय नहीं करें फ्लिपकार्ट अमेजोन मतलब ऑनलाइन से, ये गाइस सिर्फ मैं एडवाइस दे रहा हूँ, अगर आपको करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। गाइस क्या करते हैं वो बस शिपिंग का चार्ज मिला के गाइस यही चीज आपको गाइस 300 रुपए की पड़ेगी, जो मैं 180 का लाया हूँ सिंपली। तो गाइस अगर आपके इधर मोबाइल एसेसरी की दुकान है तो आप पहला वहां पे चेक कर लीजिए। गाइस मैं रहता हूँ भोपाल में, अगर कोई भोपाल वाला भाई है उसे जरूरत है तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा कमेंट के अंदर कि कहां से मैंने खरीदा। हाँ कहां थे हम गाइस कि माइक का हमारा अल्टरनेट क्या है। गाइस ये है गाइस सिंपली आप आपका जो हेडफोन ईयरफोन होता है ना गाइस, उसके जो ये है ना माइक, ये देखिए जो यहाँ पे होता है ये, इसको आप एज अ माइक यूज इजिली कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इसको बस आप यहाँ पे ऐसा मोड़ दीजिएगा, ठीक है गाइस, और आप इसको कॉलर में यहाँ पे फिक्स कर लीजिएगा कोई से भी पिन वगैरह से, बस गाइस ये आपका बिल्कुल माइक की तरह काम करने वाला है। गाइस थोड़ी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको बाय करना है तो गाइस वो भी 200 to 300 का पड़ने वाला है। एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतने वाला हिस्सा माइक वाले हिस्से को आप कोई से कॉटन वगैरह की जो क्लॉथ होती है उससे आप इसको रैप कर दीजिएगा, जिससे कि फायदा क्या होगा कि जो नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगी, मतलब नॉइस वगैरह नहीं आएगी। गाइस मुझे तो अभी माइक भी बाय करना है, मैं आपको जैसे कि बताऊं धीरे धीरे सब चीज होती है। तो गाइस ठीक है, ये थी बेसिक इक्विपमेंट। तो गाइस मेरे हिसाब से बस ये दो ही चीजें मेरे हिसाब से बेसिक हैं, जो अगर आपके पास हैं तो आप आज से कर दिए वीडियो को स्टार्ट। गाइस अब बढ़ते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे गाइस, कि किन बातों का हमें रखना है गाइस ख्याल जब हम वीडियो को करते हैं शूट। गाइस पहली चीज ये है कि वीडियो क्वालिटी होना चाहिए अच्छी,
ठीक है, क्योंकि जब व्यूवर आता है तो उसे थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी तो अच्छी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि गाइस बिल्कुल प्रो की तरह शूट करना चालू कर दिए, कोई DSLR की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, आप मोबाइल से ही अपनी शूट करिए। बस थोड़ी सी गाइस ऐसी अगर शूट करिए जब लाइटिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो, मतलब अच्छी हो, मीडियम हो, ऐसा लगे आपको हाँ यार अच्छी आ रही है वीडियो, चालू कर दिए शूट करना। तो इस वीडियो क्वालिटी का खास ख्याल रखिए गाइस। ये मुझे पता है कब पता चला, जब मेरे दो भाइयों ने, एक उमर भाई है और एक मेरे मुर्तुजा भाई, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि थोड़ी वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है। तो मुझे यार हाँ रियलाइज हुआ कि हाँ भाई सही बोलना है। तो गाइस मैंने क्या किया कि रिंग लाइट बनाई, ये भी गाइस मैंने होममेड बनाई, ये देखिए इफेक्ट देखिए गाइस, ये शूट हो रही है बिना रिंग लाइट के। ठीक है, अब देखिए ये रिंग लाइट से शूट हो गई, आपको फर्क पता चला है। आपको मैं बताऊँ मेरी रिंग लाइट, ये देखिए गाइस, ये है मेरी रिंग लाइट, ये देखिए गाइस, ये बिल्कुल मैंने होम में बनाई थी। मैं आपको बंद करके बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, कार्डबोर्ड में आपको बस ये सा सर्कल काटना है। ठीक है, एक अंदर इनर सर्कल और काट लेना है, उसके बाद आपको ये 5 मीटर की LED स्ट्रिप्स मिल जाएंगी अवेलेबल कहीं में मार्केट में, मुझे को पड़ी थी गाइस ₹160 की बस। जी हाँ, एक एडेप्टर और मिलेगा जो आपके AC करंट को करेगा DC में कन्वर्ट। ओके, बस, और आपको इस स्ट्रिप को कर देना है, ये डबल साइडेड रहती है, दोनों तरफ से चिपक जाती है। ठीक है गाइस, तो ये है मेरी रिंग लाइट जिससे कि मेरी वीडियो क्वालिटी सुधरी। भाई वीडियो करता हूँ मैं पॉज, मेरा सेटअप को फिर से करना पड़ेगा मेरे को। बढ़िया गाइस, तो कल लेते हैं हम हवाई चालू। तो गाइस वीडियो क्वालिटी का थोड़ा ध्यान रखिए गाइस। दूसरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये है ऑडियो क्वालिटी को गाइस अच्छी रखिए। भाई वीडियो क्वालिटी को भले अभी आप एवरेज रखिए, अच्छी रखिए, समझ गाइस, ऑडियो क्वालिटी को मैं बोल रहा हूँ अच्छी रखिए बिल्कुल ही बिल्कुल गाइस। क्योंकि जब व्यूवर आता है ना गाइस, वीडियो क्वालिटी तो ठीकम ठाक चल जाएगी गाइस, उसे अगर आपका कंटेंट ऐसा होगा कि आप कुछ चीज समझाएंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे गाइस, तो गाइस अगर ऑडियो ही क्वालिटी सही नहीं रहेगी, जो आप चीज समझा रहे हैं वही वो चीज समझ नहीं पाएगा, तो उसका आने का मकसद ही क्या रहा वीडियो का, तो गाइस वो आपकी वीडियो को देखेगा ही नहीं भाई। तो गाइस ऑडियो क्वालिटी को तो हमेशा आप अच्छी रखिएगा। ठीक है, तो माइक खरीदिए गाइस, मैंने क्या किया, अभी मेरे पास माइक नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, मैं खरीद लूंगा। तो गाइस मैंने अपने, देखिए कितना स्वेट आ रहा होगा, तो गाइस मैंने अभी फैन को बंद कर दिया, क्योंकि फैन की आवाज बहुत ज्यादा गाइस डिस्टर्ब करती थी, इसके चक्कर में मैंने फैन को बंद करके रखा। अभी आपको अच्छी खासी आवाज आ रही होगी, और मैं शूट इस टाइम करता हूँ कि जब नॉइस कम रहती है गाइस, मैं इस टाइम ज्यादातर रात को शूट करता हूँ मैं अपनी वीडियो को। ये बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आपकी ऑडियो क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए। तीसरी और इंपॉर्टेंट गाइस चीज ये है, क्या है, टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, मतलब आप कोई चीज आप एक्सप्रेस करते हैं कैमरे के सामने गाइस, वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए भाई। जनरली लोग इतने बड़े वाले रहते हैं, वो सिंपली कह देते हैं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे कि भाई तुम तो खुद सही से बोल नहीं पा रहा, हमें क्या समझाओगे गाइस, ये नेचर होता है ठीक है ह्यूमन बींग का। तो गाइस आप ये ध्यान रखिएगा गाइस कि आप बोलें अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से गाइस। इसका आपको मैं सिंपल सी ट्रिक बताऊं जो मैं करता हूं गाइस, आपको अगर फायदा लगे तो आप कमेंट में जरूर बताना गाइस। क्या करिए, जो वीडियो को आप शूट करने वाले हैं ना गाइस, या जो वीडियो पे आप टॉपिक है जो आपको, उस पर आप वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप मिरर के सामने आप खुद ही जाइए, और वही टॉपिक को गाइस 3-4 बार, या जब तक है गाइस आप परफेक्ट नहीं हो जाते, जब तक आप मिरर के सामने बोलते जाइए। उससे क्या होता है गाइस, जब मिरर में आप गलतियां करते हो ना गाइस, तो आपको पता चलता है अरे मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ, तो गाइस आप वीडियो में वो गलती नहीं करते, समझ रहा हो बात को। तो गाइस मैं तो ये पर्सनली यही करता हूँ। दूसरा वे हो, मुझे भी बताइएगा, शेयर करिएगा कमेंट में। बस गाइस यही थी आज की वीडियो पूरी, तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो गाइस एक लाइक बनता है, और अगर नए हैं तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, और ये न्यू यूट्यूबर सीरीज चली रही है गाइस। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग लगाने के अगली वीडियो में। तो गाइस टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड बाय।